बड़ी खबर है इस वक्त अमृतसर के तिलक नगर में, जहां पर सुबह 4 बजे 2 अज्ञात युवकों ने एक घर में दावा बोलकर घर में रह रहे बुजुर्गों को बंदी बनाकर घर में पड़ा 30,000 रुपए और 15 लाख रुपए का सोना लेकर वह फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। अमृतसर के तिलक नगर में जनक राज नामक बुजुर्ग के घर में 2 अज्ञात लुटेरे घुस आए। जिस समय लुटेरे घुसे उस समय घर में बुजुर्ग जनक राज उनकी पत्नी थी। दोनों लुटेरों के पास पिस्तौल थी, जिसके दम पर उन्होंने दोनों को बंदी बना लिया और पैसे की मांग की, जिसके बाद घर में पड़ा हुआ 30,000 रुपए नकद जनक राज ने लुटेरों को दे दिया। इतना ही नहीं, लुटेरों ने घर की अलमारी को चेक किया, जिसके बाद घर में पड़ा हुआ करीबन 15 लाख रुपए का सोना वह लूट कर मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले में पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार के मुताबिक आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश में जुट गई है। अमृतसर से सनी सौता की रिपोर्ट। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है जी। ये जी सवेरे करीब 4 बजे के टाइम नाल मदर मेरे उठे ने फ्रैश होने लई, तो ये दरवाजे के बाहर ही 2 नौजवान सन खड़े, मूँह उन्होंने बन्ने हुए सी, तो दाढ़ी मुछ सी जिस तरह अजकल चलता है ओला स्टाइल, लंबे सन पतले जे, 20-22 साल उम्र होएगी। तो इन्होंने माता जी ने अंदर ही धकेल लिया, बाहर नहीं जान दिता। तो एक मुंडे ने इन दी वालियां ते चैनी उत्थे उतार ली है, तो बैड से धक्का देता। इन्हें चाहे फादर साहब भी जाके नाल ही सन, तो उन्होंने ड्रोन लई इन्होंने फायर किया जी, एक फायर किया फर्श से ड्रोन लई, तो कहा कि सानू 20,000 रुपया तुसीं दे दिओ, तो नहीं तो गोली मार देंगे। तो फादर साहब ने इन्होंने कहा, साढ़े इतने बाबा जी की फोटो लगी अंदर, कि मैं बाबा जी वाला हाथ करके तुहानू 20,000 दे दिंदा, तुसीं सानू मारिओ ना, साढ़े पेट ना लाओ। अंदर जाने लगे ने दूसरे कमरे जिथे लॉकर से, तो वो मुंडे दोनों अंदर ही दरवाजे से आ गए। उन्होंने फादर साहब ने किया मतलब जिन्ना सामना कर सकते थे उम्र के लिहाज नाल, चाकू भी मारे उन्होंने हाथ से बजा चाकू, तो फिर अल्टीमेटली जो लॉकर चो पैसे कटने लगे ने, तो नाल ही गहने का दूसरे मुंडे ने हाथ पा के लॉकर चो वो पैकेट से खुले भी सानू सारे कटे। देखो जी, असं तो यही मंग करते हैं कि एक तो PCR की गश्त जी है ये होनी चाहिए है सवेर के टाइम, मतलब हूँ तो वैसे नाकों तो पुलिस होंगी आ, पर गलिया महलों के PCR की जी गश्त होनी जरूरी है। तो साड़ी मंग यही है जी कि पुलिस जल्द तो जल्द इन्ह रोकी पकड़े। सर CCTV कैमरा कोई नहीं लगा जी, इतने बंदे पहचान कर सकते जी, बिल्कुल पहचान कर सकते, जो सामने आवगे पहचान कर लेंगे। बस आए अपना 4 बजे आए, दरवाजा खोलिया अ बाथरूम जाने, तो डरा धमका के साथ को मतलब लॉकर खुला के तो लै गए पैसे, गल नहीं बड़ी पैसे लै गए, गहना लै गए। किन्ने का गहना जी, किन्ने पैसे लै गए? पैसे नकद 30,000 से जी, तो गहना कोई 15 लाख का है सी। पिस्तौल सी, एक पिस्तौल सी, तो एक है ही छुरा। खलोते रहे 10 मिनट झगड़ता रहा, फिर मैं रख दो इतने, रख दो इतने, मगर तक दौड़िया उन्होंने, मैं बाहर दरवाजा बंद कर गेट खिला के मगर गया, मैं मगर तक गया, मैं 10-15 फुट का गया उन्होंने मगर गाला कटदा। फिर गोली मार देनी ही, बड़ा बोलता, बड़ा बड़ा बोलता, इतने भी अदा गोली मार देनी है, मैं मार दे आप को डरे थोड़े। किन्ने बंदे किन्ने ही यो गिरते आए ही? 2 जने ही, स्कूटर ना दूर लाया एक दे। अच्छा, कोई कैमरा लगा CCTV इते? पता नहीं हुण कैमरे उधर मेन बाजार च पाए लगे होए, उधर होगा जब ते मंदिर च होगा। तलाब मिली सी, असीं इधरों गश्त करदे आ रहे सी, पता लग्या कि इत्थे 356 नंबर कोठी दे विच कोई 2 लड़के सवेरे आए आ,
ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਜਨਕ ਦੁਲਾਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਦੋਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। 4 ਵਜੇ ਕੋਈ 2 ਲੜਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਕ ਰਾਜ ਵੀ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਲਓ 30,000 ਰੁਪਇਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਰ 'ਚੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਗੇਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸੋਨਾ ਜੀ? ਸੋਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਇੱਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਸਤੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ।